गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 18 जिसका नाम है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता होती क्या है मैंने इसके बारे में आपको समझाता हूँ। प्रायिकता होती क्या है, ठीक है, देखिए प्रायिकता इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक गेम खेला, ठीक है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में बताइए सिक्का ही क्यों उछाला जाता है। ठीक है, तो उसका रीजन ये होता है कि जब भी आप सिक्का उछालते हैं तो उसमें कितने पहलू होते हैं, दो ही पहलू होते हैं, हेड और टेल, या तो आप जीतेंगे या फिर सामने वाला जीतेगा, इसके अलावा और कोई भी चांस नहीं होते हैं किसी भी संभावना, समझ में आए, तो उसे ही क्या कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, जो परिणाम आपके पास आते हैं उनकी प्रायिकता कितनी होती है, एक, और जो परिणाम आपके पास नहीं आते हैं उनकी प्रायिकता कितनी होती है, शून्य। ठीक है, संभव परिणाम क्या होता है, किसी भी चीज को निकालने के कितने तरीके होते हैं वो उसके संभव परिणाम कहलाते हैं। ठीक है, पहला मैंने आपको लिख रखा है प्रायिकता का सूत्र। ठीक है बच्चों, इसके अपन नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स के लिए आप रेडी रहना, मैं लिखूंगा वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको वैसे लिखते रहना साथ के साथ। देखिए प्रायिकता का सूत्र क्या है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, क्या है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, ये तो इसका सूत्र हो गया। किताबों में और कोई भी सूत्र दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सूत्र चेंज होता जाएगा, नहीं करना चाहो तो एक यूनिक सूत्र है जिसको आप हमेशा लिख सकते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, P is greater than or equal to 0 और P is less than or equal to 1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो प्रायिकता का मान है वो शून्य भी हो सकता है और शून्य से अधिक भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और इसे और कैसे पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कि प्रायिकता का मान जो है वो एक भी हो सकता है और एक से कम भी होगा, समझ में आ गया, तो मैं इसे लिख देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब प्रायिकता का मान शून्य के बराबर शून्य से अधिक किंतु एक से कम या एक हो सकता है। समझ में आया बच्चों, इसका मतलब इसे दूसरे तरीके से कैसे कहते हैं, ध्यान रखिए, प्रायिकता का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं आएगा, एक से ज्यादा है देखिए, और प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं आएगा, जीरो से कम क्या आता है, ऋणात्मक मान ही तो आते हैं, तो ध्यान रखना प्रायिकता का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा और प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ये इसका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट यही है कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। बाद में दे देता हूं, मान लीजिए कोई भी चीज है उसके कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेगी, और मान लीजिए कुछ भी परिणाम निकले तो उसका परिणाम कितना होगा, जीरो होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, समझ में आया आपको, तो इसलिए प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन, चौथा जो पॉइंट है वो आपको क्या कहना है, तो ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का, ठीक है, और एक का भाग ज्यादा हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसे हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभाज्य संख्या की मैं परिभाषा लिख देता हूँ, ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं का ही भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे कौन सी संख्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे काउंटिंग लिख देता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर कि किस तरीके से आपको पहचानना है, जो मैंने लाइन लिखी है उसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, मैं तो बता रहा हूँ, वैसे तो
एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको ऑरली बता रहा हूँ, एक से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है उनके, 25 अभाज्य संख्या है उनके। अब आप चेक करते हैं, देखिए इसके अंदर मैंने एक पॉइंट लिखा, मैं लिख देता हूँ, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो किसी में होता है कि वो बच्चे क्या करते हैं, ये वाला जो एक है इसको अभाज्य संख्या मान लेते हैं क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं होती। तो पहली बात तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब दो के बारे में डिस्कस करते हैं, बताइए दो में किस किस का भाग जाता है। देखिए दो में एक तो एक का भाग जाता है, जो ये संख्या है ना एक गणित वाली, इसका भाग जाता है क्योंकि इसका भाग तो सभी संख्या होता है। और दो का सिर्फ दो में भाग आता है, दो का पाड़ा दो है, जो दो के पाड़े में तो आता है, तो इसलिए अभाज्य संख्या है। तीन अभाज्य संख्या है क्या? हाँ है, रीजन वही, तीन में देखो एक का भाग जाएगा, और तीन किसके पाड़े में आता है? तीन के पाड़े में आता है। दो के पाड़े में तीन आता है क्या? नहीं आता है, समझ में आ गया। चार अभाज्य संख्या है? नहीं है, कारण देखिए चार एक के पाड़े में जाता है, ठीक है, मैंने बोला था एक से जो भी डिवाइड हो ठीक है। बताइए ये चार चार से भाग होता है, लेकिन ये चार दो से भी तो होता है, इसके कारण ये अभाज्य संख्या नहीं है। पांच अभाज्य संख्या है, कारण मैंने आपको बता दिया। छह अभाज्य संख्या नहीं है, रीजन एक से जाता है, दो से जाता है, तीन से जाता है, खुद से भी जाता है। तो मैंने क्या कहा था, वह संख्या है जो सिर्फ एक और खुद से जाती है उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। कैसे? आगे सात है, क्योंकि सात किसके पाड़े में आता है? सात खुद के में और एक के पाड़े में आता है। आठ अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। नौ नहीं है, क्योंकि नौ देखिए तीन के पाड़े में आता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं है कि इसको मान लें। दस नहीं है। ग्यारह है, क्योंकि ग्यारह जो है सिर्फ ग्यारह के पाड़े में आता है और एक के पाड़े में आता है, इसलिए ग्यारह है। बारह नहीं है। तेरह है। चौदह नहीं है। पंद्रह नहीं है। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको चेक करके आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, आपको ये जो प्रोसेस है वो 1 to 15 तक क्या है आपको चेक करना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती है या नहीं होती है। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले जो पॉइंट है वो पढ़ाते हैं इसके। देखिए अगला टॉपिक है कॉइन सिक्के, ठीक है, जो अपन हैंडल करते हैं ना वो वाले कॉइन से। ध्यान से देखिए इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए, एक सिक्के को एक बार उछालने पर बस कुल परिणाम बराबर कितने हैं? दो। कितने हैं? कैसे? ये देखिए, एक सिक्का या तो इस पे हेड होगा या इस पर क्या होगा? टेल। हेड और टेल के अलावा कुछ नहीं होता, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक सिक्के को दो बार उछालने आपको दे रखा है कुल परिणाम कितने आते हैं बच्चों? चार। कितने आते हैं? चार। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए दो सिक्के, इसपे है इसपे है, इसपे है इसपे है, इसपे टेन इसपे है, इसपे टेन इसपे टेन, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए जो लाइन है ना, इसको देखो परीक्षा में कैसे पूछता है। इस एक सिक्के को कैसे पूछता है? दो सिक्कों को एक बार उछाल दे, उछालने पर कुल परिणाम
बराबर कितने होते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये सवाल वही है, इसको पूछने का तरीका अलग है। एक है, एक सिंह ने वो दो बार उछाला, पहली बार उछाला दो परिणाम आए, फिर दूसरी बार उछाला फिर दो परिणाम आए, टोटल कितना है चार। इसमें क्या है, दो सिक्कों को एक साथ ही उछाल दिया, ये उछाल, तो दो इसके कितने है चार है, वो चार परिणाम। तो बोर्ड के अंदर ध्यान रखना, कई बार लैंग्वेज बदल के पूछ लिया जाता है आपसे सवाल, तो मैंने आपके सामने लिख दिया। तीसरा टॉपिक, तीसरा जो पॉइंट है इसका हो गया है, एक सिक्के को तीन बार उछालने पर, कितनी बार उछालने पर, तीन बार उछालने पर कुल परिणाम बराबर कितने हैं, कितने हैं बच्चों, और वो आठ परिणाम मैं बता रहा हूँ। ये एक दो, मान लीजिए इस पर है, इस पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे है, और इस पे है, इस पर है, इस पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे है। पहले क्या करना है, तीनों पे एच एच लिखो, फिर एक एच हटा के टी लिखो, फिर दूसरा एच हटा के टी लिखो, फिर तीसरा हटा के टी लिखो। अब उल्टा कर लीजिए, कैसे, एक एक एच हटा को एक एक टी हटा दीजिए, आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए बच्चों, कि आपने यहाँ पर हटा दिया तो ये आएगा, और ये परिणाम तो क्या आ गया है, इसलिए ये चीज क्या हो जाएगी, समझ में आएगा। तो अब दो परिणाम कौन से बताइए, ये रहा ये लिया, आएगी मेरे आठ परिणाम, ठीक है बच्चों। तो ये सिक्को वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आप अगला जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। चलिए बच्चों अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डाइस। डाइस का मतलब समझते हैं आप, डाइस का मतलब होता है फांसा, ठीक है। बोर्ड के अंदर इतने से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सीखिएगा, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डाइस, जो फांसा था ना, लूडो खेलने का, सब सिद्धि खेलने का, सभी बच्चों की जिंदगी में ऐसा मौका जरूर आता है, ठीक है। जिसे आप क्या कहते हैं, फांसा, ठीक है। अब ध्यान से वही है, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम बराबर कितना है, छह, ठीक है बच्चों। दो ही काउंटिंग ले लो, ये देखिए छह परिणाम, एक दो तीन चार पांच और छह। कैसे, पहली बार फेंका एक आया, दूसरी बार फेंकने पे दो आया, तीसरी बार फेंकने पे तीन आया, चौथी बार फेंकने पे चार आया, पांचवी बार फेंकने पे पांच आया, छठी बार फेंकने पे छह आया, ठीक है। तो छह से, अब ऐसा थोड़ा है कि आप जब सातवीं बार फेंकोगे तो सात आ जाएगा, वापिस एक आ जाएगा, तो मैक्सिमम कितने परिणाम है, छह परिणाम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एक पासे को दो बार फेंकने पर, दो बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, छत्तीस, कितने आते हैं बच्चों, छत्तीस। और वो छत्तीस परिणाम कैसे आते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। छत्तीस परिणाम कैसे आते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक दो तीन चार पाँच छह, क्या, और मैं इस साइड लिख देता हूँ, एक दो तीन चार पाँच, आपको बनाना सिखा रहा हूँ ध्यान से, देख लीजिए क्या काउंटिंग है, यहाँ पर काउंटिंग एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पर भी लिख दीजिए एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन, सबके आगे मैंने काउंटिंग लिख दी, एक से लेकर छह तक लिख दी है, ठीक है। आगे देखिएगा किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ।
देखिए क्या है, एक सबके आगे एक एक लगा, यहाँ पर इस तरीके से देख, ये एक है, ये एक यहाँ पर इस तरह लाइन लगा, ये दो है, दो लिख दीजिए सबके आगे, ये कितना है, तीन है, सबके आगे का लिख दीजिए, ये क्या है, चार, ये पांच है, सब क्या है, पांच, ये छह है, सब क्या है, ये आगे नहीं लिख दिया बच्चों, इस तरीके से ये पासे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 36 परिणाम देख लीजिए आप, इन्हें काउंट करो, एक दो तीन चार पांच छह, इस तरीके से कुल कितने परिणाम बनेंगे, 36 परिणाम, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है ताश। ताश क्या होता है, ताश, ताश मेरे ख्याल से जिंदगी में खेला नहीं होगा तो किसी ने तो देखा जरूर होगा, ताश के पत्ते किस प्रकार से होते हैं, मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ, किसी याद कर, ठीक है, जैसे पान के पत्ते, ठीक है, पान के पत्ते कितने होते हैं, फिर ईंट के पत्ते, ईंट के पत्ते भी कितने होते हैं, देखा, फिर है चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं, तेरह, और भूखम के पत्ते कितने होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे कुल पत्ते बराबर होते हैं, ठीक है, देखिए ये दोनों जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, लाल, क्या होते हैं, लाल, और ये कुल पत्ते कितने होते हैं, 26, ये दोनों जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, काले, कौन से होते हैं, काला, ठीक है, काला रंग का पत्ता होता है, ये भी कितने होते हैं, 26, आपसे पूछा जाता है कि लाल रंग के पत्ते बताइए, ठीक है, तो लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, 26, काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26, मैं यहाँ लिख देता हूँ चित्र वाले, देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे क्या बोलते हैं कि ऊपर में चार चित्र वाले पत्ते होते हैं, लेकिन होते कितने हैं, चित्र का मतलब होता है जिसमें फोटो होती है, जैसे एक होता है जैक, जैक का मतलब होता है गुलाम, गुलाम पे देखा करो बंदा होता है, ठीक है, उसमें तस्वीर छपी रहती है, फिर आती है क्वीन, क्वीन का मतलब होता है रानी, रानी पे देखा करो रानी की तस्वीर बनी रहती है, फिर आता है बादशाह, बादशाह पे देखा करो बादशाह होता है, लेकिन जो इक्का होता है उसमें बताइए कभी किसी इंसान की फोटो छपी होती है, नहीं होती, वो क्या होता है कि जो चीज होती है, मतलब जैसे मान लीजिए पान है, तो पान का जो साइन होता है वो बड़ा करके दिखाता है, वो चित्र नहीं होता है, चित्र अलग तरीके का होता है, आप सबको पता है, ठीक है, तो इसलिए कितने पत्ते होते हैं, सबमें तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें तीन, और ये कुल कितने होते हैं, बारह, कुल कितने होते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे गुलाब और ठीक है, सबके अंदर कितने होते हैं, एक 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 एक, ठीक है, ये इस प्रकार से होते, कैसे कैसे बनेंगे, पान का गुलाम एक है, पान की बेगम एक है, और पान का बादशाह कितना है, ईंट का गुलाम एक, ईंट की बेगम एक, ईंट का बादशाह है, चिड़ी का गुलाम चिड़ी की बेगम, आपको याद रहेगा, ठीक है, तो आपको सवालों के अंदर बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो इसलिए जो आज मैंने नोट्स लिखवाए हैं इनको पढ़ने से पहले, मतलब जो आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको इसको अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, साल वाला जो ईयर्स होते हैं ना उनके बारे में बता देता हूँ,
एक तो आता है दीप क्लियर दीप प्रकाश और एक आता है एलिप प्रकाश. क्या आता है एलिप दीप प्रकाश और एलिप प्रकाश क्या होता है एक ही. एलिप प्रकाश होता है 365 जबकि दीप प्रकाश कितना होता है 366. मैं बताता हूँ कैसे. इसके अंदर जो फरवरी होती है ना वो कितने की होती है 28 की और इसके अंदर जो फरवरी होती है वो कितने की होती है 29. तो इसे बताइए एक दिन एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ. तो ध्यान रखना लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं जबकि एलिप वर्ष में कितने दिन होते हैं 365. ठीक है. एक साल के अंदर मैं यहाँ बता रहा हूँ एक साल कुल कितने सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह. कितने होते हैं कितने सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह. ठीक है बच्चों. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था. अभी इस पे सवाल भी है. जब आपको सवाल बताऊंगा जब मैं आपको सिखा दूंगा इसको ठीक है तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए. चलिए बच्चों एक सवाल देखते हैं. ठीक है ध्यान से देखिए क्या कह रहा है. एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है. तो पहले तो आपको लिखना है कुल परिणाम. ठीक है और मैंने आपको लिखवाया था जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं 6 और वो 6 परिणाम कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6. फिर आपको प्रायिकता का सूत्र लगाना है. किसका सूत्र लगाना है प्रायिकता का सूत्र क्या बोला था मैंने संभव परिणाम बटा कुल परिणाम. क्या होता है संभव परिणाम बटा कुल. अब ये बोल रहा है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है. ये तो बच्चों ये जो संख्या दी गई है इसमें बताइए 4 से बड़े कितने अंक हैं. देखिए 1 और 2 कितने अंक है 2. तो संभव परिणाम कितने होंगे 2 और कुल परिणाम कितने 6. जब आप इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 1/3. कितना आएगा बच्चों 1/3. ठीक है. तो इस तरीके के सवाल है इस प्रश्नावली के अंदर. तो इस तरीके के जो सवाल है वो अपन कल करेंगे. आज मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट लिखवाया है आप उसको अच्छी तरीके से क्या कीजिए पढ़िए जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी लगेगा. ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया. देखिए मैंने आपको नोट्स में ये लिखवाया था तो बताइए नोट्स में से आया है कि नहीं आया. मैंने थोड़ा सा इस नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़िए फिर आप कल इस टॉपिक को मतलब ये चैप्टर 18.1 है इसको पूरा. और मैंने आपको कहा कि आप इस पे वीडियो पे अधिक से अधिक क्या करें लाइक और सब्सक्राइब करें. ठीक है बच्चों थैंक यू. कल मिलते हैं वापस से.